नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। बिहार में 5 चरण में होने वाला चुनाव, 3 में सिमटा, 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनेंगे। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश की याचिका। महाराष्ट्र में अपहरण व अवैध वसूली मामले में AIMIM नेता समेत 4 गिरफ्तार। कैग ने कहा कि राज्यों के हिस्से का 47,000 करोड़ ना देकर केंद्र सरकार ने तोड़ा जीएसटी क्षतिपूर्ति कानून। सुनील अरोड़ा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी, मंगलवार को होगी बैठक। वर्धमान में थाने में बकरी की सेवा कर थके पुलिसकर्मी कर रहे हैं मालिकों की तलाश। टीवी एंकर्स की याचिका पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा कि अपराध के मकसद का पता लगाना जांच का हिस्सा। केरल सरकार के लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में FCRA के उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने वाला यूपी का इंजीनियर गिरफ्तार। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर शिवसेना का तंज, कहा बनाना आसान लेकिन चलाना मुश्किल। ईडी ने शुक्रवार को कानवा ग्रुप की 255 करोड़ की संपत्ति की अटैच। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों की सौगात। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कृषि विधेयक लागू नहीं हो पाएगा। रामकृपाल ने कहा कि महागठबंधन को तेजस्वी का नेतृत्व पसंद नहीं, चुनाव से पहले होगी टूट। आयुष भवन में कर्मचारियों का फिर से योग सत्र शुरू। NIA की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन ISIS से प्रशिक्षित मोहिद्दीन को दोषी करार दिया। 21 महीने के अंदर तैयार होगा नया संसद भवन, नहीं तोड़ा जाएगा रेल और परिवहन भवन। करण जौहर ने दी सफाई, बयान जारी कर कहा कि पार्टी में ड्रग्स लिए जाने की बातें झूठी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि, फिर हटा दिया ट्वीट। नौसेना ने कहा कि भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 4th संस्करण 26 से 28 सितंबर के बीच होगा। शिक्षकों की अस्थायी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा कब तक चलेगी ये व्यवस्था। तेज हुआ कृषि विधेयकों का विरोध, राहुल गांधी बोले किसानों को गुलाम बनाएंगे ये नए कानून। सुखोई लड़ाकू विमान सीमा पर भरी उड़ान, वायुसेना ने कहा कि चीन और पाक का सामना करने के लिए तैयार। केरल में नामकरण के बाद पिता ने 40 दिन की बच्ची को नदी में फेंका, हुई दर्दनाक मौत। बिहार चुनाव पर संजय राउत का तीखा सवाल, कहा कि क्या कोरोना महामारी खत्म हो गई है।